ये तारीख मेरठ शहर है और आज ईद उल फित्र का दिन है। जहां मस्जिदों में ताले पड़े हुए हैं, वहीं गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई रहता ही ना हो। ईद के इस मौके पर जहाँ भीड़ भाड़ होनी चाहिए, वहीं बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है और चारों तरफ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन और आज पीर के दिन सुपर लॉकडाउन की वजह से आज गलियों में कोई भी नजर नहीं आ रहा। सबके सब अपने घरों में हैं। कोरोना वायरस से बचना भी बहुत जरूरी है। ईदें तो मनती ही रहेंगी, वक्त आएगा तो ईद भी मना लेंगे, यही सोचकर शायद लोग घरों में बैठे हुए हैं। देखने की बात यही है कि जिन रोड पर, जिन गलियों में भीड़ भरी रहती थी, आज बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं। रोड पर भी गाड़ियां गिनु चुनु ही हैं। ये घंटाघर है, घंटाघर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन आज कुछ पुलिस वाले ही ड्यूटी पर तैनात हैं। इक्का दुक्का गाड़ी ही देखने में आ रही है, वो भी ज्यादातर एम्बुलेंस। हम यहाँ खड़े हैं घंटाघर के सामने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे घंटाघर है। लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरह से सरकार ने कहा, नीति अपनाई है कि लॉकडाउन को लेकर कोरोना वायरस की तादाद फिर भी बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद देखना होगा कि इस लॉकडाउन से कितना फायदा हो पाता है या कोरोना वायरस के मरीजों को कितने रोक पाते हैं, कम इनकी तादाद कर पाते हैं, इनका इलाज कितनी जल्दी संभव हो पाता है, ये भी देखना होगा। लेकिन जो कोरोना वायरस के मरीजों की चैन बनी है, अगर उसे तोड़ने में कामयाब रहे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कैमरामैन रमजानी के साथ मैं शाबिद हुसैन जैदी, मेरठ।